हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टैक्स सिविल इंडिया पे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका अप्लाइड लोड किसी का कम किसी का ज्यादा होता है, उसी तरीके से हमने फाउंडेशंस को लोड्स के हिसाब से डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी फाउंडेशन किस स्ट्रक्चर के लिए प्रेफर की जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको अलग वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस के बारे में। मेनली दो टाइप्स की फाउंडेशन होती है, एक होती है हमारी शैलो फाउंडेशन, एक होती है हमारी डीप फाउंडेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे शैलो फाउंडेशन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं शैलो फाउंडेशन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है बेसिकली फाउंडेशंस आर यूज्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू ट्रांसमिट द स्ट्रक्चर लोड टू द अर्थ सॉइल। मेनली फाउंडेशन का हम यूज करते हैं, फाउंडेशन को हम बनाते हैं इसलिए ताकि जो स्ट्रक्चर का जो हमारा लोड है वो ट्रांसमिट हो सके अर्थ सॉइल में, ठीक है, वो अर्थ सॉइल में चला जाए, सॉइल में चला जाए वो लोड। इसलिए हम फाउंडेशंस को बनाते हैं। फाउंडेशंस के ऊपर कॉलम होते हैं, बीम्स होते हैं, स्लैब होता है, तो उन सबका लोड जो भी है वो फाउंडेशंस के थ्रू होते हुए अर्थ सॉइल में चला जाए, इसलिए हम फाउंडेशंस को बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें दिया हुआ है शैलो फाउंडेशन इज आर टाइप ऑफ फाउंडेशन that transfer building load to the earth very near to the surface means the depth of shallow foundation is not too much deep. Shallow foundation वो foundations होती हैं जिनकी जो depth होती है वो ज़्यादा नीचे तक नहीं होती है earth soil के अंदर। Means जो थोड़े light structure है, ज़्यादा major structure नहीं है, वहाँ पे हम shallow foundations का use करते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स दिए हुए हैं। सबसे पहला जो टाइप है इसका वो है हमारा स्प्रेड फाउंडेशन। इसमें क्या दिया है, फॉर लाइट स्ट्रक्चर वेयर द नॉट टू मच लोड इज टू बी अप्लाइड द स्प्रेड फाउंडेशन इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। जहाँ थोड़ा लाइट लोड होता है, जैसे हम नॉर्मली अपने घर बनाते हैं 100x150x इस तरीके से घर बना लेते हैं, तो वहाँ पे हम स्प्रेड फाउंडेशंस का यूज करते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे पीसीसी के लिए उसके ऊपर हमने राफ्ट बना दी, जिसके जिसके ऊपर कॉलम टाइल होता है, मतलब राफ्ट का जो सरिया हम डालते हैं फिटिंग का, उसके साथ हम कॉलम के सरिये को टाइल करते हैं, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारा बन के आता है। ये प्लान दिया हुआ है, मान लीजिए ये कोई प्लॉट एरिया है, उसमें चार कॉलम है, तो चारों के अलग अलग राफ्ट होगी, उसके बीच में कॉलम्स बने हुए हैं, जैसे कि आप देखेंगे C1, C2, C3। इस तरीके की फाउंडेशन को हम स्प्रेड फाउंडेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंबाइंड फुटिंग। देखते हैं हम कंबाइंड फुटिंग में क्या दिया हुआ है। फॉर द स्लाइटली अनस्ट्रक्चर्ड दिस टाइप ऑफ फुटिंग इज टू बी कंस्ट्रक्टेड अंडर कंबाइंड फुटिंग, टू कॉलम्स आर टाई ऑन अ सेम बेस। देखिए जैसे कि स्टेटमेंट में भी क्लियर है, यहाँ पे डायग्राम में भी क्लियर है, नॉर्मली हमने पीसीसी की उसके ऊपर हमने फुटिंग का सरिया डाला, राफ्ट बना रहे हैं हम, उसके साथ हमने कॉलम के सरिये को टाई करके कॉलम डाल सकते हैं। यहाँ क्या होगा, बेस एक ही होगा लेकिन उसके साथ हम दो कॉलम्स को एक ही बेस पे टाई कर देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कंबाइंड फुटिंग। ये जो नॉर्मली थोड़े छोटे जो प्लाजा वगैरह बना दिए जाते हैं, या जो आप कह सकते हैं कि लो राइज जो बिल्डिंग बनती है उस तरीके में, वो इस तरीके के बिल्डिंग्स में भी उनका यूज कर लिया जाता है, जो नॉर्मली 3 से 4 फ्लोर्स की होती है और कम एरिया में होती है, वहाँ पे हम कंबाइंड फिटिंग का यूज बेसिकली कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे प्लान में भी दिया हुआ है, जैसे C1 और C2 दो कॉलम में उनको एक ही राफ्ट पे कास्ट किया हुआ है, तो C3 C4 कॉलम को एक ही राफ्ट पे कास्ट किया हुआ है, तो ये होती है हमारी कंबाइंड फिटिंग। नेक्स्ट है हमारा राफ्ट फुटिंग। राफ्ट फुटिंग में क्या होता है, अंडर द राफ्ट फाउंडेशन ऑल द कॉलम्स ऑफ द स्ट्रक्चर आर टाई ओवर द सेम कंक्रीट का। ये क्या होता है, थोड़ा और जो हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वॉल बना या फिर बिल्डिंग बना रहे हैं, 8 मंजिल 10 मंजिल की कोई बिल्डिंग बन रही है, जिसमें बेसमेंट भी होगा, वॉल है उसमें बेसमेंट भी होगा, या अंडरग्राउंड पार्किंग भी मिल रही है, तो वहाँ पर हम इस तरीके की फाउंडेशन का यूज करते हैं राफ्ट फाउंडेशन। इसमें क्या होता है, नॉर्मल नीचे पीसीसी होगी,
और पूरे प्लॉट एरिया में, जैसे कि यहाँ पे प्लान में आप देखेंगे पूरा का पूरा जो प्लॉट एरिया होगा उस पर राफ्ट बनाई जाएगी और सारे कॉलम्स उसके ऊपर टाई किए जाएंगे एक ही सेम राफ्ट के ऊपर, ठीक है। और वो डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है उसमें हम किस तरीके की फिटिंग प्रेफर करेंगे, ट्रेपेज़ॉइडल डालेंगे या सिंपल रेक्टेंगुलर डालेंगे या स्क्वायर डालेंगे। बाकी मेन जो राफ्ट फिटिंग होती है वो ये के पूरा का पूरा राफ्ट एक ही होता है, उसके ऊपर हम सारे कॉलम्स को बना के टाई करके ऊपर कास्ट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है हमारा ग्रिलेज फाउंडेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रिलेज फाउंडेशन। ये क्या होगा, ग्रिलेज फाउंडेशन मेनली हम थोड़ा हैवी स्ट्रक्चर्स में इसका यूज करते हैं, जैसे कुछ फ्लाईओवर्स होते हैं उसमें भी हम ग्रिलेज फाउंडेशन को यूज करते हैं। बाकी मेनली इंडस्ट्रीज में जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे बड़े बड़े शेड बनते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है जो कई एकड़ में बनी हुई होती है, जैसे नासा का मान लीजिएगा प्लांट मान लीजिए या और कोई बड़ी इंडस्ट्री मान लीजिए सैमसंग की इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े शेड बनते हैं, ठीक वहाँ पे हम ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। बाकी कुछ फ्लाईओवर्स में भी हम ग्रिलेज फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। तो इस ग्रिलेज फाउंडेशन में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे क्या है ये देखिए, फर्स्ट आप देखिए थोड़ा ब्लर है तो कोशिश करूँगा थोड़ा मैं क्लियर करने की आपके लिए, तो देखिए इसमें यहाँ पे आप देखिए कि ये सेक्शन, ये अपना सेक्शन प्लान है टॉप व्यू दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल हम बीम्स को डाल देते हैं, आयरन बीम्स होते हैं ये, जिन्हें गर्डर्स भी कहा जाता है तरीके से, और उसके बाद उसी के ऊपर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हमने टूल बीम डाल दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद क्या किया हमने, जैसे कि यहाँ पे इस वाले ऊपर वाले डायग्राम में देखेंगे आप, ये जो नीचे भी देखेंगे आपको ये वाली ये तो ये है जो लॉन्ग ट्यूबमेंट है, जबकि जो ऊपर आपको एक ही नजर आ रहा है वो दूर वाले जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में डाल, ठीक है, ये आपको फ्रंट व्यू दिया हुआ है एक तरीके से। उसके बाद हम क्या करते हैं कि वो तीन जो बीम डाले हैं आयरन के कास्ट आयरन के, इसके ऊपर हम कॉन्क्रीट का एक पेडेस्टल तैयार करके उसके ऊपर आई सेक्शन में कॉलम बना देते हैं सेम गर्डर का या आयरन गर्डर का। इससे क्या होता है कि आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर अच्छी होती है, मटीरियल में भी वो अच्छा काम करता है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारी एक फाउंडेशन बन के तैयार होती है, ठीक है। और ये बहुत ही इकोनॉमिकल भी होती है और जल्दी भी बन जाती है, क्योंकि कंक्रीट का हम जो तैयार करते हैं उसमें कास्टिंग में टाइम लगता है, फिर उसमें क्योरिंग भी बहुत करनी पड़ती है, तो ये हमारी जल्दी बन के तैयार हो जाती है और इकोनॉमिकल भी, इकोनॉमिकल नेचर से भी बहुत ही अच्छी होती है, और ये हैवी स्ट्रक्चर में भी, हैवी स्ट्रक्चर में काम आती है इस तरीके की फाउंडेशन, ग्रिलेज फाउंडेशन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट आ गया हमारा डीप फाउंडेशन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था के फाउंडेशन को दो पार्ट्स में बेसिकली डिफाइन किया हुआ है, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। तो ऊपर अभी मैंने आपको शैलो फाउंडेशन के कुछ पॉइंट्स बताए थे, यहाँ पे अब मैं आपको डीप फाउंडेशन और उसके सब पॉइंट्स बताऊंगा। तो डीप फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ फाउंडेशन दैट ट्रांसफर बिल्डिंग लोड टू द अर्थ वेरी डीप टू द सरफेस, मींस द डेप्थ ऑफ डीप फाउंडेशन इज टू मच डीप। मतलब सिंपली कह रहा है कि डीप फाउंडेशन फाउंडेशन का जो यूज है वो सेम इसके लिए कि डीप फाउंडेशन का यूज होता है वो स्ट्रक्चर के लोड को अर्थ सॉइल तक पहुंचाना होता है, दूसरा इसकी जो डेप्थ होती है वो बहुत ही डीप होती है अर्थ सॉइल के थ्रू। इसमें फर्स्ट है हमारा पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन इज मेनली कंस्ट्रक्टेड इन लोड एरिया वेयर द लोड ऑफ स्ट्रक्चर इज टू मच हाई एंड द एरिया ऑफ वेयर स्ट्रक्चर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन लेस। इसमें दिया हुआ है कि पाइल फाउंडेशन का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा हैवी होता है, जैसे मेजर स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे हम पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं, और जहाँ पे मान लीजिए स्ट्रक्चर हैवी है लेकिन जो एरिया दिया हुआ है उसको बनाने के लिए वो कम दिया हुआ है, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी भी थोड़ी कम है, तो वहाँ पे हम पाइल फाउंडेशन का मेनली यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है फ्लाईओवर्स हो गए, हमारे मेट्रो के ब्रिजेस हो गए, मेट्रो जिसको चलती है हमारा उसका जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है वो भी पाइल फाउंडेशन पे ही हमारा तैयार होता है। पाइल फाउंडेशन में क्या दिया होता है, ये देखिए क्लियर है, ठीक है, मान लीजिए क्लियर है, यहाँ हमारा सॉइल भी ये
फाइल कैप भी होंगे, नीचे हम ये कॉलम की तरह बना देते हैं इसको, जैसे कॉलम बनते हैं इस तरीके की कई सारी बना देते हैं। डिजाइन पर डिपेंड करता है कितनी बनानी है, 8 बनानी है, 10 बनानी है, 12 बनानी है, इस तरीके से उनका साइज डिपेंड होता है। राउंड में, स्क्वायर में, सर्किल में लगा लगा के कास्ट करके इस तरीके से फाइल्स बना देते हैं। उसके ऊपर फाइल कैप बनाई जाती है, सरियों को उनके साथ टाइप करके फास्ट किया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर हमारा क्लियर बनता है जो कि हमें अर्थ सरफेस के ऊपर नजर आता है। बाकी फाइल कैप और जो हमारी फाइल्स होती है ये बिलो द अर्थ सरफेस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा कैसॉन्स एंड बेल फाउंडेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें दिया हुआ दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन अ मेजर स्ट्रक्चर्स वेयर द अप्लाइड लोड ऑफ द स्ट्रक्चर इज वेरी हाई। Then any structure is to be constructed over the river, then their caisson foundation is to be constructed. Means the major structure में well foundation का caissons का हम use करते हैं। तो जैसे कि हम मान लीजिए कोई river है, river के ऊपर आपको flyover बनाना है, वहाँ पे mainly हम इस तरीके के foundation का use करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे river होता है उससे जैसे boring नहीं लगती, जैसे हम submersible की boring तो बहुत ही डीप वो बोरिंग की जाती है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा। और उसके बाद हम बना बनाया पूरा एक हमारा केज होता है कॉलम पर, उसको हम उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी कास्टिंग होती है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो वहाँ पे साइड पे हम प्रेफर करते हैं, कास्टिंग के दौरान भी बोरिंग के दौरान भी, वो पूरा साइड पे डिपेंड करता है। इस तरीके के वेल बना दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम वेल फाउंडेशन भी है। उसके बाद पूरा केस डालने पर हम कॉन्क्रीट से कास्ट भी कर देते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से हम इस फाउंडेशन को बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉफर डैम। दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज आल्सो टू बी कंस्ट्रक्टेड इन अ मेजर स्ट्रक्चर वेयर द अप्लाइड लोड ऑफ स्ट्रक्चर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। इसमें भी सेम है कि कॉफर डैम जो हम बनाते हैं वो भी हम मेजर स्ट्रक्चर यूज करते हैं। कॉफर डैम एक तरीके का हमारा टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए किसी रिवर पे आप फ्लाईओवर बना रहे हैं, अभी फ्लाईओवर बना रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी फाउंडेशन जरूरी होंगे, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, कॉफर डैम एक तरीके का टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लकड़ी का या स्टील का बना लेते हैं, राउंड में या स्क्वायर में। तो अपने बीच का जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि आपके इस वाले डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, इस तरीके का हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं रिवर के अंदर, और इसके बीच में फिर पानी नहीं जाने देते, मतलब पानी को रोक देते हैं। उसके बाद हमें इसके अंदर अपना पूर्ण फाउंडेशन तैयार करते हैं, सरिये का केज भी बनाते हैं, उसके बाद हम इसको कंप्लीट करके पूरा अपना स्ट्रक्चर इसे तैयार करते हैं। उसके बाद ये जो बाहर का जो स्ट्रक्चर हमने तैयार किया होता है, क्योंकि वुडन का भी हो सकता है और अपना कास्ट आयरन का भी हो सकता है, उसको फिर रिमूव कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर डैम एक तरीके का टेम्परेरी स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं हैवी स्ट्रक्चर में अपने स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। जबकि कैसॉन्स में क्या होता है, इसमें ही मतलब परमानेंट रहता है, ये जो वेल जो हम बनाते हैं ये परमानेंट रहता है, इसके अंदर स्ट्रक्चर ये सब चीज परमानेंट है। बेसिकली दोनों में यही डिफरेंस है, कॉपर डैम वालों में और कैसॉन्स। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट अगर आपको हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।